आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 ML अग्रवाल मैथ्स क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे। 33 है हमारा। A sum of money is lent out at compound interest for 2 years at 20% per annum. CI being reckoned yearly. If the same sum is lent out at CI at same rate percent per annum and compound interest being reckoned half yearly, it would have fetched रुपीज 482 मोर बाई वे ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेट द सम ऑफ मनी लेंट आउट। तो यहां पर हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेट द प्रिंसिपल बी 100 रुपीज ले लेते हैं, 100 रुपए प्रिंसिपल ले लेंगे, ठीक है। फिर आ जाएंगे केस वन में। केस वन में क्या दिया हुआ है कि अगर रिकॉन्ड होता है ईयरली यानी एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 100 रुपए प्रिंसिपल है, टाइम 2 साल है और इंटरेस्ट 20% है, तो अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + R अपॉन 100 to the power n। अमाउंट इज इक्वल टू 100 है ना, प्रिंसिपल 100, 1 + R की जगह पे 20 अपॉन 100 to the power n की जगह पर 2 ले लिया और 20 ले लिया, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा यहां पर 100 ब्रैकेट में अपॉन 1 करेंगे तो 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 120 अपॉन 100, क्योंकि 2 पावर दी हुई है यहां पर, ठीक है। इसके बाद 100 तो पूरा इससे खत्म हो जाएगा और ये वाले 2 जीरो जो है वो इस वाले 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 12 × 12 और वो हो जाएगा 144। तो अमाउंट क्या निकल कर आया, 144 रुपीज। अमाउंट 144 निकलेगा तो सी आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सी आई इज इक्वल टू 144 माइनस 100 इक्वल टू रुपीज 44। तो पहला तो जो है वो केस में इंटरेस्ट जो आया कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, वो आया 20% के हिसाब से 100 रुपए प्रिंसिपल एज्यूम करके 44 रुपीज, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर अब हम क्या करेंगे कि केस 2 पे आ जाएंगे। केस 2 पे आने के लिए क्या करेंगे, अब आप इसे नोट डाउन कर लें, मैं जो है वो इसको इरेज कर देता, रब कर देता हूं। यहां पर लिख लेते हैं 44 रुपीज, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस के अंदर क्या है, तो यहां पर क्या करेंगे कि यहां पर केस 2 डाल देते हैं यहां पर, ठीक है, और यहां पर जो है वो सीआई लिख लेते हैं 44 रुपीज पहला, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, ठीक है। 1 + R को जो है वो हम 20% की जगह 10% कर देंगे, क्योंकि दूसरे वाले केस में ये हाफ ईयरली रिकॉन्ड हो रहा है, हाफ ईयरली, तो इसे हम आधा कर देते हैं तो इसे 10 कर देंगे। 2 साल के लिए क्या करेंगे कि अगर 1 साल के अंदर 2 हाफ ईयरली होते हैं तो 2 में 4 होते हैं, तो इसलिए इसको जो है वो 4 कर देंगे। सेकेंड केस में ये इतना ही फर्क है, 100 ब्रैकेट में 1 + अपॉन कर देंगे, तो जब अपॉन करेंगे तो ये आ जाएगा 110/100, फिर 110/100, फिर 110/100, ठीक है, और फिर 110/100। ये 4 बार लिख दिया मल्टीप्लाई करके, है ना। अब क्या होगा कि इस 100 से ये 100 कैंसिल, ठीक है। अब ये 0 और इससे और ये 0 इससे, ये 0 इससे और ये 0 इससे, बचा क्या, अमाउंट इज इक्वल टू 11 × 11 × 11 × 11 अपॉन 100, ठीक है। ये जो आएगा हमारा वो आएगा 146 रुपीज एंड 41 पैसा। अब ये अमाउंट आ गया 146 और 141 पैसा, ठीक है। तो सी आई कितना हुआ, सी आई इज इक्वल टू 146.41 माइनस 100, ये हो गया 46.41 रुपीज। तो ये वाली सी आई जो निकल कर आई रिकॉन्ड हाफ ईयरली में, वो आई 46.41। अब हमारे पास दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट हो गए, ठीक है, साथ साथ आप नोट डाउन करते जाएं। दोनों हो गए, अब डिफरेंस क्या आ रहा है यहां पर, डिफरेंस बिटवीन सी आई है ना, वो आ जाएगा हमारा 46.41 माइनस 44, वो आ जाएगा 2.41
रुपीज, यानी कि 2 रुपए 41 पैसे, ठीक है ना। अब हम कह सकते हैं कि इफ डिफरेंस इज 2.41 रुपीज देन प्रिंसिपल इज 100 रुपीज। अगर डिफरेंस 2 रुपए 41 पैसे है तो प्रिंसिपल 100 रुपए है, मतलब अगर प्रिंसिपल हमने 100 माना तो एनुअली में और हाफ ईयरली में जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकला उसका डिफरेंस 2 रुपए 41 पैसे यानी 2 रुपीज 41 पैसा है। तो अगर डिफरेंस ये है तो प्रिंसिपल ये था, ठीक है ना। और अगर डिफरेंस 482 है जो हमें जो है वो क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल कितना होगा। तो इफ डिफरेंस इज 482 देन प्रिंसिपल विल बी, वो हम यहां पर निकाल लेंगे। वो कैसे निकाल लेंगे कि 482 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 2.41, ये 0 आया, हटा डेसिमल हटा और ये 100 ऊपर लग गया क्योंकि 2 के बाद ये डेसिमल दिया हुआ था, ठीक है ना। इसे मैंने हटा दिया, हटा के ऊपर 100 लगा दिया। अब 241 वनजा और 241 टूजा, क्योंकि 241 टूजा 482 होता है, तो सीधा सीधा काट देंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे। अब हमारे पास क्या आया, 2 × 100 × 100 और ये आ गया 20,000 रुपए, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल आ गया जो आपका असली निकल कर आया जो कि क्वेश्चन में था, ठीक है ना। हमने 100 एज्यूम करा था, उसके हिसाब से हमने डिफरेंस निकाल दिया। अगर डिफरेंस इतना है तो प्रिंसिपल ये है, और अगर डिफरेंस 482 है तो प्रिंसिपल। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।